अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 8 विच इज प्रिपरेशन मोटिव कंडक्ट, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने बेसिक वे में विथ ईजी एक्सप्लेनेशन केस लॉज इलस्ट्रेशन के साथ समझा था। आई होप कि सेक्शन 8 क्या कहता है और क्यों हम प्रिपरेशन मोटिव और कंडक्ट को इन रिलेशन टू फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट मानते हैं, एडमिशिबल मानते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आज के इस वीडियो लेक्चर से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ये सेक्शन 8 के ऊपर सेकेंड लेक्चर है। आज हम ये देखेंगे कि बेयर एक्ट का सेक्शन 8 प्रिपरेशन मोटिव और कंडक्ट को लेकर के क्या कहता है, राइट? और स्पेशली हम कंडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पैरा 2 है वो कंडक्ट को डिफाइन करते हुए उसके स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो वीडियो के एंड तक सेक्शन 8 क्या कहता है वो आपको समझ में तो आएगा ही, साथ ही साथ सेक्शन 8 के जो प्रोविजंस हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? हम डायग्राम के माध्यम से सेक्शन 8 को समझने की कोशिश करेंगे नोट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पैरा 2 ऑफ सेक्शन 8 बेसिकली डिफाइन करता है, इट डिफाइंस कंडक्ट, इट्स स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, राइट? देखो सेक्शन 8 का पैरा 2 ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, क्या कहता है? अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप एज इट इज अपने नोटबुक में उतारोगे और ऐसे ही एग्जाम में भी लिखोगे, ठीक है? अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और इजी लगेगा। देखो कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, कंडक्ट क्या है उसे हमने समझ लिया है, प्रिपरेशन क्या होता है समझ लिया है, मोटिव क्या होता है उसे समझ लिया है, क्यों प्रिपरेशन कंडक्ट और मोटिव रेलेवेंट होंगे, एडमिशिबल होंगे, उसे भी हमने समझ लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लो, ठीक है? देखो तो सेक्शन 8 का पैरा 2 कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट, किसी भी पार्टी मतलब एक केस में हम जानते हैं दो पार्टीज होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। तो सेक्शन 8 का पैरा 2 कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एंड ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, आगे आगे कहता है इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, इज रेलेवेंट क्या होगा, रेलेवेंट होगा, इज रेलेवेंट is relevant in reference to, in reference to such suit or proceeding, अपने समझने के लिए हम क्या करेंगे सेक्शन 8 के पैरा 2 को तीन पैराज में डिवाइड कर देंगे, जिसमें से पहला पैरा यही है। क्या कह रहा है आइए समझते हैं।
तो सेक्शन 8 पैरा 2 ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट, फिर चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, एंड किसी पार्टी का कोई एजेंट है तो उसका कंडक्ट, इन एनी शूट, किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग में रेलेवेंट माना जाएगा इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, राइट? तो किसी पार्टी का कंडक्ट या पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग में रेलेवेंट माना जाएगा इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स, राइट? चलिए, अब तो ये पैरा पहले आप नोट करोगे, अब दूसरा समझो, दूसरा कहेगा कि कंडक्ट इज रेलेवेंट, कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट होगा इन रेफरेंस टू किसके रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, तो उस पर्टिकुलर सूट के किसी फैक्ट इन इशू के रेफरेंस में कोई कंडक्ट है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा, दूसरा ये। तीसरा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, तीसरा आप नोट करो, चलो यही हम नोट कर लेते हैं नीचे। तीसरा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट माना जाएगा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के रिलेशन में, इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, तो कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट माना जाएगा इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के रिलेशन में, विच इज कमिटेड बाय हिम, committed by him and proceeding is going against him, क्या कह रहा है देखो, तो सेक्शन 8 पैरा 2 का जो लास्ट पैरा है वो ये कह रहा है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के रिलेशन में, जो ऑफेंस उसने कमिट किया है और प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट? तो ये है पूरा सेक्शन 8 इन द वर्ड्स ऑफ योर बेयर एक्ट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो आप, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है देखो, कंडक्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है प्रीवियस कंडक्ट और दूसरा सबसिक्वेंट कंडक्ट। तो कंडक्ट बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रीवियस कंडक्ट, एक हो सकता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। व्हाट इज प्रीवियस कंडक्ट? देखो, ए बी और सी, ए बी और सी ये तीन पर्सन्स हैं, इन तीनों ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो डी को मार देंगे, दे विल किल डी। अच्छा, इस प्लान में ए और बी डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, जबकि सी जो है केवल उनका हेल्प करता है, यानी ही इज एकम्प्लिस, ये क्या है, सह अपराधी है, ही इज
co-accused. Before murdering D, D को मारने से पहले A, B और C तीनों ने ये प्लान बनाया था कि C जो है, क्योंकि D का एक अच्छा दोस्त है, तो C जो है D को इस जगह पर लेकर के आएगा जहाँ पे A और B पहले से मौजूद रहेंगे. तो इनका ये जो एक्टिविटी है, इनका ये जो फिजिकल एक्ट है बिफोर द क्राइम, ये प्रीवियस कंडक्ट कहलाएगा. और मर्डर करने के बाद सी क्या करेगा, एज पर दियर प्लान वैन लेकर के खड़ा रहेगा और ए और बी मिलकर डी के डेड बॉडी को उस वैन में रखेंगे और ले जाके किसी खाई में थ्रो कर देंगे. तो ये मर्डर करने के बाद इनका ये प्लान है. तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आएगा. तो कंडक्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं, प्रीवियस कंडक्ट एज वेल एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट, राइट. चलिए अब हम देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स. अब चूंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन कंडक्ट के ही बारे में बात करता है, इसलिए कंडक्ट को अच्छे से समझना जरूरी है. तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. चलो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट, देखो, देयर आर कंडक्ट ऑफ ओनली पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स एंड एजेंट ऑफ द पार्टी इज एडमिशिबल. देखो, सेक्शन 8 के दूसरे पैराग्राफ में जो हमने समझा कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट ऑफ द पार्टी, तो हमने एक तो पार्टी के किसी एजेंट के कंडक्ट के बारे में बात किया और पार्टीज के कंडक्ट के बारे में बात किया. तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंडक्ट में क्या हो जाएगा कि कंडक्ट ऑफ ओनली पार्टी टू द प्रोसीडिंग, जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, पार्टी टू द सूट है, उसका कंडक्ट और पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट क्या होगा, रिलेवेंट माना जाएगा, एडमिशिबल माना जाएगा, राइट. किसी अदर पर्सन का जो कंडक्ट है उसे हम एडमिशिबल नहीं मानेंगे. कब मानेंगे, जब उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट जा रहा है, तब हम किसी अदर पर्सन के कंडक्ट को रिलेवेंट मानेंगे, राइट. दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का जो कंडक्ट है वो एडमिशिबल उसके अगेंस्ट में होगा, उसके बिहाफ में नहीं होगा, राइट. कंडक्ट इज रेलेवेंट इफ इट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. कंडक्ट को हम रेलेवेंट तब मानेंगे जब कंडक्ट फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता हो या फैक्ट इन इशू से प्रभावित होता हो. तो कंडक्ट को हम रेलेवेंट तब मानेंगे जब कंडक्ट फैक्ट इन इशू को प्रभावित करता हो या फैक्ट इन इशू से प्रभावित होता हो. और ये जो कंडक्ट है, इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट. और कंडक्ट जो होता है वो रेलेवेंट होगा क्रिमिनल एंड सिविल केसेस दोनों में. तो ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट है, लिख लो. पहला, कंडक्ट ऑफ only party to proceeding, party to suit and agent of party is admissible. Dusra, conduct of a person is admissible against him conduct is relevant if it influences or
गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट एंड इशू, और लास्ट इट इज रेलेवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो ये है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट। चलिए अब हम रेलेवेंसी ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे। कब हम कंडक्ट को रेलेवेंट मानेंगे या कंडक्ट के एडमिशिबिलिटी के क्या क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस पे हम कंडक्ट को एडमिशिबल मानेंगे, उसे हम समझते हैं। रेलेवेंसी ऑफ कंडक्ट इज बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, रेलेवेंसी या एडमिशिबिलिटी ऑफ कंडक्ट, एडमिशिबिलिटी ऑफ कंडक्ट इज बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, दो कंडीशंस पे ये बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज कंडक्ट मस्ट रिवॉल्व अराउंड फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। जो कंडक्ट है वो फैक्ट एंड इशू के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। पहला, ये कंडक्ट या तो फैक्ट एंड इशू को इन्फ्लुएंस करता हो, प्रभावित करता हो, या फैक्ट एंड इशू से प्रभावित होता हो। तो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर द रेलेवेंसी ऑफ कंडक्ट। पहला, कंडक्ट मस्ट रिवॉल्व अराउंड फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और सॉरी, दूसरा, कंडक्ट आइदर इन्फ्लुएंसेस और गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्ट एंड इशू। अब देखो किन किन पर्सन्स का कंडक्ट रेलेवेंट माना गया है। तो सेक्शन 8 कहता है कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स आर रेलेवेंट। जब आप अपने बेयर एक्ट का सेक्शन 8 जब आप बेयर एक्ट का पेज नंबर 10 देखोगे तो लास्ट में एकदम लिखा है कि अंडर सेक्शन 8 कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स इज रेलेवेंट। इन पर्सन्स का कंडक्ट हम रेलेवेंट मानते हैं। किनका किनका? तो पहला कहता है पार्टी टू द सूट, यानी प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का। दूसरा, एजेंट ऑफ द पार्टी। तीसरा, एक्यूज्ड, मतलब वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है। और फोर्थ वन इज अग्रीव्ड पर्सन, यानी पर्सन अगेंस्ट होम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, राइट। तो इन चार पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट माना गया सेक्शन 8 में। कौन कौन से? पार्टी टू द सूट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, दूसरा एजेंट ऑफ द पार्टी, तीसरा अक्यूज्ड, और फोर्थ वन इज अग्रीव्ड पर्सन। अब सेक्शन 8 का जब हम एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 9 पे है, तो वो क्या कहता है? देखो, वो कहता है कि द वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। जो कंडक्ट है उसमें किसी पर्सन का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। तो कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, लेकिन आगे कहता है बट इट इज़ एडमिशिबल। लेकिन ये एडमिशिबल तब होगा जब स्टेटमेंट जो है वो मिक्स्ड अप हो जाएगा विथ एनी एक्ट ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन के किसी एक्ट से जब वो स्टेटमेंट मिक्सअप हो जाएगा तब रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे हमने देखा था कि एक पर्सन है जो बुरी तरह से घायल है, उसके शरीर से खून बह रहा है, वो ब्रूटली इंजर्ड है, और वो भागा जा रहा है और कह रहा है कि देखो बी ने मेरे साथ क्या किया, राइट, बी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। ये बोलते बोलते वो भाग रहा है। तो उसका भागना, एब्सकॉन्डिंग अलॉन्ग विथ गिविंग स्टेटमेंट देना, ये कंडक्ट के दायरे में आएगा। और केवल हम स्टेटमेंट के बारे में बात करें विदाउट एनी एक्ट, तो वो एडमिशिबल नहीं होगा, राइट। ओके,
एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, देखो एक्सप्लेनेशन टू कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलिवेंट माना जाएगा। इफ़ एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, यदि उससे कोई स्टेटमेंट कहा गया है, या इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स हिज कंडक्ट इज रेलिवेंट, तो किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलिवेंट तब माना जाएगा जब या तो उसके सामने कुछ कहा गया या जब वो प्रेजेंट था तो कुछ ऐसी चीजें कही गई जो उसके कंडक्ट को शो करता हो इन रिलेशन टू द इंसिडेंट। हम जानते हैं कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इफ गेट मिक्सड अप, यदि वो मिक्स हो जाता है विद द कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन के साथ, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, इस इलस्ट्रेशन को हमने देखा था कि बी को जब लूट लिया गया तो सी ने ए के प्रेजेंस में ये कहा कि देखो पुलिस आ रही है और उस पर्सन को ढूंढ रही है जिसने बी को लूटा है। अच्छा, ये सुनने के बाद ए तुरंत वहां से भाग जाता है, तो ए का कंडक्ट उस इंसिडेंट के रिलेशन में रेलेवेंट है और एडमिसिबल है और एक एविडेंस की तरह काम करेगा उसके अगेंस्ट में, राइट। चलिए अब एक और केस हम देखते हैं, इन ए नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपके बैरक में है, ए नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें यही कहा गया कि एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का फरार होना इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के जस्ट बाद, घटना होने के जस्ट बाद एक्यूज्ड का भागना कंडक्ट कहलाएगा और उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो देखो ये था सेक्शन 8 जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाया, पूरा प्रिपरेशन के साथ आपके सामने सेक्शन 8 को एकदम सिंप्लीफाइड वे में रखने की कोशिश करी। और आप जानते हो कि ऐसे कंटेंट, ऐसा लेक्चर जब आप पेड बैचेस में जाओगे वहां भी शायद ही मिले आपको। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर ये सेक्शन आपको समझ में आता है, मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों वीडियोस को मर्ज करके एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू रहता है इसलिए वीडियोस कभी कभी नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडिंग में है, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस आपको किसी भी मैनर में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ग्रो कराइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।